ये है V3 का मास्क, ब्लैक कलर का। मॉर्निंग से जो ये बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो ये हमारे विशाल भाई दोनों ही अभी जा रहे हैं टोकोबरी की तरफ कुछ सामान लाने के लिए। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जाने वाला था आज कोकराझार, लेकिन आज मेरा जाना कैंसिल हो चुका है बिकॉज मॉर्निंग से जो है बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, जिसके कारण आज का कोकराझार वाला राइड हमने कैंसिल कर दिया। वेदर फोकस चेक करके फिर जाएंगे, तो इसी वीक में जाने का प्लान है। विशाल भाई जो है, विशाल भाई को चाहिए कुछ कुछ सामान, जैसे कि ट्राइंगल इंडिकेटर्स वगैरह हो गया, एंड इसका जो SM के स्टेलर जो इसका मॉडल है हेलमेट का, इसका एक वाइजर भी चाहिए। साथ में R15 V3 का जो एक मास्क आता है, ये वाला मास्क भाई को चाहिए। एंड मेरे को भी कुछ कुछ सामान चाहिए, ऑर्डर्स आया था, तो उसकी वजह से सारा सामान एक साथ लेने के लिए जा रहा हूँ मैं। एंड कैमरा मैंने इसलिए हाथ में उठाया था बिकॉज बारिश आ रहा था, एंड आज मेरा मन था कि पूरा बारिश में मोटो व्लॉग करेंगे, मतलब पूरा भीग भीग के मोटो व्लॉग बनाएंगे। लेकिन जैसे ही कैमरा उठाया बाहर निकला, बारिश हो चुका था पूरा खत्म। ओके, सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। आज जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड होके रखा था कि आज एक बड़े राइड पर जाएंगे। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का एक राइड था, लेकिन हो चुका है वो भंग। कल रात को जो है जब मैं राइड से आया, तो घर जाने से पहले मैंने बाइक को एकदम वॉश करके लेके गया था। ये देखो, मतलब पूरा बाइक को मैंने वॉश करके लेके गया था घर तक। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम लोग तो निकल रहे हैं, तो बाइक को साफ कर लेते हैं, लेकिन वेदर हम लोगों को दे दिया धोखा, दे दिया बारिश। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मान के हम चलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल जो हम लोग एंट्री गए थे शिलोंग वाले रोड में, कितने उम्मीद से गए थे कि भाई आज बहुत महीनों के बाद, मतलब मैं वीडियो में बोल भी रहा था कि आज कितने महीनों के बाद हम लोग सारे ग्रुप में एक साथ जा रहे हैं मेघालय की तरफ। तो हम लोग के इधर तो ये सब कोई फॉर्मेलिटीज़ है नहीं, बिंदास लोग आ रहे जा रहे, मेघालय से भी गाड़ियाँ आ रहे, लोग आ रहे जा रहे। फिलहाल तो इंडिया में अभी लगभग सारे स्टेट्स खुल चुके हैं। अरे अंकल जी थोड़ा देख लो इधर। तो आज का राइड कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग जो है वेदर फोकस चेक करके हम लोग फिर से प्लान करेंगे एंड कोकराझार ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। एंड जो लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि भैया आप नेक्स्ट बाइक क्या लोगे, नेक्स्ट बाइक क्या लोगे, देखो एक तो बात ऐसी है कि घर में नहीं है कोई भी पार्किंग का और जगह, बिकॉज मैं जहाँ पर बाइक रखता हूँ वहाँ पर बस एक ही पार्किंग है। एंड मेरा प्लान ये है कि अभी जो है कम सीसी का बाइक मैं कोई भी ना लूँ, बिकॉज देखो ग्रुप में NS भी है, Version 3 भी है, तो जब मन चाहे जो भी बाइक चाहे मैं लेके निकल सकता हूँ। तो उसके वजह से जो है अभी कम सीसी का बाइक मेरा लेने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है। क्या हुआ भाई? मतलब कि ये देखो, मतलब दो लेन कवर करके ये लोग आएंगे। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि कम सीसी का बाइक लेने का अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है। तो मैंने तो सोच के रखा है 900 या 1000 सीसी के ऊपर का बाइक सोच के रखा है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। देखो भाई लोग, बात कुछ ऐसा है कि अभी जो है पैसा मैं कहीं पर दूसरे जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग नया घर लेने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही सब कुछ डन हो जाता है, मतलब घर वर सब कुछ नया हो जाता है, उसके बाद जाके मेरा जो आगे का जो सपना है वो सब कुछ मैं पूरा करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं अभी कोई भी बाइक के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो देखो गाइस, अगर मैं अभी प्लान बना तो R3 या फिर RC 390 या Duke 390 ले सकता हूँ, लेकिन अभी जो है मेरे को पैसा बाइक पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो अभी सारा इन्वेस्ट करना है अपने घर में। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं अपने बाइक एंड सारे ड्रीम्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको जो है अभी बंद कर देते हैं RVM को, नहीं तो यहाँ से कोई गाड़ी निकलेगा तो इसको तोड़ के चला जाएगा। चलो भैया, इसको पार्किंग ही नहीं मिल रहा कहीं पर करने के लिए। ओके, तो विशाल भाई ने जो कुछ कुछ यहाँ से शॉपिंग किया, ये है V3 का मास्क, ब्लैक कलर का, और साथ में लिया ट्राइंगल इंडिकेटर, पीछे वाले इंडिकेटर, साथ में कुछ की चेन वगैरह। तो इनको जो है अभी जाके बापा भाई के स्टोर में जाके इनको इंस्टॉल करवाना है, तो इंस्टॉल जब करेंगे अच्छे से दिखाएंगे, एंड बाइक का ओवरऑल लुक जो आएगा वो भी दिखाएंगे अच्छे से। चलो भैया अभी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई के बैग में नहीं हो रहा जगह, तो इसको जो है 220 का जो ये RVM है इस पर ही चिपका देते हैं। फिलहाल RVM को हम खोल नहीं सकते। एंड मेरा बाइक डबल स्टैंड कौन करके गया भाई?
मेरा तो सिंगल स्टैंड लगा के गया था, किसी ने शायद डबल स्टैंड कर दिया होगा। चलो कोई नहीं, हाँ एसबीएन व्लॉग्स, हाँ थैंक यू चलो आगे से जो है ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेके उधर जाना पड़ेगा। एंड गाइस मेरा जो ग्लव्स जो है, आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछते हो कि भैया वो ग्लव्स कहाँ पे मिलेगा, कितना में मिलेगा, तो वो वाला जो ग्लव्स जो है अभी स्टॉक पे फिलहाल नहीं है, वो जैसे ही आता है स्टॉक पे मैं सीधा अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर दूंगा एंड वहाँ से आप लोग फिर परचेस कर सकते हो। एंड V3 का ये वाला जो मास्क जो है ये भी भाई ने कितना में लिया आगे जाके मैं बताता हूँ, पहले आप लोग देख लो कि कैसा लगता है देखने में। एंड आप लोगों के पास अगर V3 है तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो आगे जाके मैं दिखाता हूँ। भाई साहब आज कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, आज बस डर ये लग रहा है कि पैर में जो है कोई गाड़ी अपना व्हील ना चढ़ा दे मेरे पैर पर, पैर का पापर बन जाएगा नहीं तो मेरा। हाँ हाँ व्लॉग बनाया, नाम तो क्या सिल हार्गो बर्मन। जब चलो निकल चुका है ट्रैफिक से, एक ट्रैफिक क्रॉस कर गया और दूसरा यहाँ पे मिल गया। ये वाला तो बहुत ज़्यादा खतरनाक इधर ट्रैफिक लगा इधर। हाँ एसबीएन चलो भैया आके मैं पहुँच चुका हूँ। अभी जो है भैया हम लोग यहाँ से निकले तो 3-4 घंटा तो आज यहाँ पर ही बीत गया। अगर किसी को ये वाला मास्क चाहिए V3 के लिए तो अपना वेबसाइट पर ही लिस्ट है ये वाला, मैंने वहाँ पर भी लिस्ट कर दिया, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ट्राइंगल इंडिकेटर्स वगैरह, भाई ने जो इस पर मास्क लगाया है वो वाला मास्क अगर आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए जाओ तो वहाँ पे आपको 2000 से लेके 2200 रुपये के अंदर दिखाएगा। हमारे जो वेबसाइट जो है sbnmoto.in वहाँ पर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 1399। RS 200 का इंडिकेटर, सारे बाइक्स का इंडिकेटर्स आप लोग को मिल जाएगा, RS 200 का ओरिजिनल इंडिकेटर भी मिल जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक है नीचे, जाके विजिट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जाके भी सर्च कर सकते हो www.sbnmoto.in। ये मास्क अगर आप लोग खरीदने के लिए जाओगे तो आपको ऐसे मैट ब्लैक के कलर में ही आएगा, इसको आपको फिर से रैप कराना पड़ता है ब्लैक कलर में, तभी जाके जो है बॉडी के साथ इसका कलर मैच हो जाता है। तो रैप शायद भाई कल करवाएंगे। एंड इसका ओवरऑल लुक जो होगा उसका फोटो मैं अपलोड करूंगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर sbnvlogs, जाके फॉलो कर लेना या फिर नीचे भी लिंक रहेगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ज़्यादा लंबा खींचेगा नहीं, आज का वीडियो ये पर एंड करके अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर कोई ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड ऑलवेज राइड सेफ। तो चलो यार गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चलो बाय बाय।